साथियों, पहली चैप्टर 33 सॉल्व्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं। अभी तक हम लेजर ट्रांसफ़र, स्टॉक ट्रांसफ़र, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख चुके थे, तो इस बार टैली चैप्टर 33 में मैंने आपको डे बुक से वाउचर एंट्रीज़ को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना समझाया था। उसी से रिलेटेड असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 वी कैन एक्सपोर्ट डे बुक वाउचर एंट्रीज फॉर अ स्पेसिफिक डेट। ट्रू, साथियों आप चाहें तो वाउचर में से एक पर्टिकुलर डेट के वाउचर को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में टैली के लेटेस्ट रिलीजेस में यही हो रहा है कि आप पर्टिकुलर एक डेट की ही वाउचर एंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। पहले हम पूरी एंट्रीज, ओवरऑल कंपनी की जो एक साल की ट्रांजैक्शन थी, उसको हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, लेकिन अब वो डेट वाइज एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट के समय में वो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की एंट्री ही दिखा पा रहा है। तो 1.2 वी कैन एक्सपोर्ट डे बुक वाउचर एंट्रीज यूजिंग कंट्रोल ई फॉल्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं एक्सपोर्ट फीचर के टैली में, तो आपको पता है कि इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट ई होती है, कंट्रोल ई नहीं। तो ये आंसर हमारा फॉल्स हो गया। 1.3 वी मस्ट इम्पोर्ट लेजर एंड स्टॉक आइटम बिफोर इम्पोर्टिंग वाउचर्स। ट्रू होगा साथियों, वाउचर तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक उसके लेजर ना हो और स्टॉक आइटम ना हो। कुछ एंट्रीज आपकी ऐसी होंगी जो बिना स्टॉक आइटम के है, तो लेजर तो कंपल्सरी है ही इम्पोर्ट कराना। साथ ही साथ अगर स्टॉक आइटम की एंट्री है तो स्टॉक को भी आपको इंपोर्ट कराना होगा, तो वाउचर एंट्री प्रॉपर आ जाएंगी। 1.4 गेटवे ऑफ टैली शोज द लास्ट वाउचर एंटर्ड डेट। बिल्कुल सही, जब आप गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं तो लेफ्ट एरिया जहां पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज आती है, आपकी कंपनी का नाम दिखाता है, राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल, उसके बराबर में ही एक डेट दिखाता है, लास्ट वाउचर एंटर्ड। 1.5 वी कैन नॉट डिलीट डे बुक वाउचर एंट्रीज। ये फॉल्स हो गया साथियों, डे बुक की वाउचर एंट्रीज को तो हम डिलीट कर सकते हैं, ये तो हमने बिगिनिंग में ही पढ़ लिया था, ऑल्ट डी की मदद से इसे डिलीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ 2.1 हाउ डू वी नो दैट अ कंपनी एज वाउचर एंट्रीज। एक कंपनी में वाउचर एंट्री होने का पता कैसे चलेगा? थ्रू डे बुक से पता चल जाता है। गेटवे ऑफ टैली पर लास्ट वाउचर एंटर्ड ये डेट दिखाता है, और अगर कोई वाउचर एंट्री नहीं है तो दिखाएगा नो वाउचर एंटर्ड। स्टैटिक्स कैन ऑल्सो शो दैट। बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही जवाब। 2.2 इट शोज टोटल नंबर ऑफ वाउचर एंट्रीज ऑफ वाउचर टाइप। अगर आपको जानना हो कि मैंने टोटल सेल्स की कितनी वाउचर एंट्री कर दी है अब तक, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो साथियों, इसमें आपको पता चलेगा दिए गए ऑप्शन में से बी का चुनाव करें। बी ऑप्शन आपको बताएगा स्टैटिक्स कि कौन से वाउचर में कितनी एंट्री है एक ही स्क्रीन पर। अगर आप डे बुक में भी जाते हैं तो डे बुक एक लंबा प्रोसेस है चेक करने के लिए, स्टैटिक्स छोटी जगह पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। 2.3 हाउ विल यू यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक एंट्रीज इन डेस्कटॉप। तो इट शुड बी व्हाट विल यू यूज, what will you use to select specific entries in day book?
तो आपको स्पेस बार का चुनाव करना चाहिए, सी ऑप्शन सही जवाब। व्हाट इज द की टू सिलेक्ट ऑल एंट्रीज ऑफ डे बुक स्क्रीन? डे बुक स्क्रीन की सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार का यूज करते हैं। और पीरियड की शॉर्टकट की क्या होती है टैली में चेंज पीरियड की? तो ऑल्ट एफ टू, ये हम पहले से जानते हैं, एफ टू डेट बदलने के लिए, ऑल्ट एफ टू पीरियड चेंज करने के लिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। 10 नई वाउचर एंट्रीज करनी है आपको सेल्स की, जिसमें हर वाउचर में एक नया स्टॉक आइटम लेना है। हाउ विल यू क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर एंट्री? तो कंट्रोल टू का प्रयोग कीजिए, कंट्रोल टू। जब आप डे बुक में जाएंगे तो एक एंट्री को सिलेक्ट कीजिए स्पेस बार से, कंट्रोल टू प्रेस कीजिए और आप देखेंगे उसकी डुप्लीकेट एंट्री के लिए स्क्रीन आ गई। कंट्रोल ए करके आप उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये फास्टेस्ट मीडियम होता है एक जैसी एंट्रीज को करने का। जैसे कि हम स्टूडेंट से फीस रिसीव करते हैं, उसकी वाउचर एंट्री करनी है तो हम कंट्रोल टू के माध्यम से मल्टीपल एंट्रीज धड़ाधड़ कर देते हैं। सिर्फ अमाउंट चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर तो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टास्क कुछ भी नहीं है, आपको रिवाइज करना है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। देखते रहिए वीडियो, आगे बढ़ते हैं।